हे गाइस, मेरे न्यू व्लॉग कानपुर जू के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा, यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं डायनोवर, यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर हैं। नहीं भाई, हम क्यों परेशान करेंगे। आइए देखिए, ये डायनासोर हैं, पत्थर के हैं और देखिए किस तरह से बने हुए हैं। दरवाजा इसका बंद है, मतलब अंदर जा नहीं सकते। देखिए, लेकिन ये देखिए इधर बड़ा वाला है, टीरेक्स जिसको बोलते हैं। स्ट्रिप डहाइना, लकड़बग्घा दोस्तों, यहाँ पर लकड़बग्घा है और इतनी बड़ी जगह पे ढूंढ रहे हैं उसको, लेकिन कहीं पास वो दिख नहीं रहा है। और लकड़बग्घा बहुत खतरनाक जानवर होता है। ये कई गड्ढे यहाँ पास बने हुए हैं, हो सकता है इन्हीं में से किसी में घुसा हुआ हो अंदर। काफी जगह पर इसको देख लिया, पर ये शायद कहीं अंदर छुपा बैठा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आओ, ये दिख गया, देखिए जैसा ही सोचा आगे जाना है ये आ गया। देखिए बहुत खतरनाक, बहुत खूंखार। और ये भूखा समझ में आ रहा है, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। और बहुत खतरनाक जानवर होता है, इसकी बाइट बहुत खतरनाक होती है। और ये अकेले शिकार नहीं करते, ये झुंड के साथ शिकार करते हैं। और अभी भी वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। देखिए कितना खतरनाक उसका मुंह दिख रहा है। झुंड के साथ किसी जानवर पर ये हमला करते हैं और जब उसको मार देते हैं तो फिर उसको बारी बारी से उसको नोच नोच कर खाते हैं। और बहुत गुस्से में वो लग रहा है, बहुत ज्यादा। और ये दूसरा लकड़बग्घा बैठा हुआ गड्ढे में, किस तरह से अंदर घुस के बैठते हैं देखिए आप। हम लोग चल रहे हैं सांबर, सांबर हिरन को देखने के लिए। देखिए वो खड़ी हुई है बहुत सी। कुछ खा रही हैं लोग बैठी हुई। एक ये बैठा हुआ देखिए पानी में। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको अब स्पॉटेड डियर दिखाएं, जिसको चीतल बोलते हैं, और बहुत सारी झुंड में है देखिए। पूरा झुंड बनाए हुए हैं ये लोग देखिए, और खा रहे हैं ये लोग। हिरन भी बहुत खूबसूरत जानवर होता है और इनकी सींग भी है। और साथ में देखिए बच्चे भी हैं। ये देख लीजिए जंगली सुअर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, वो गंदगी में रहने की इनकी आदत भी है। कितना खतरनाक, देखिए एकदम सुनसान पूरा इनका पिंजरा पड़ा हुआ है और खुद भी सुनसान बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं गंदगी में। देखिए काला हिरन, जिसको ब्लैक बग भी बोलते हैं। इस बोर्ड में तो ब्लैक बक काला हिरन ही लिखा हुआ है और अंदर तो काला हिरन नहीं दिख रहा। देखने की कोशिश करते हैं काला हिरन है यहाँ पर कि नहीं। है, ये देखिए इसमें आगे का हिस्सा देखिए ऐसे ब्लैक है। एक ये खड़ा हुआ है, आगे का हिस्सा इसका ब्लैक है और बाकी तो सब वैसा ही है जैसे हिरन का कलर रहता है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और बहुत से हैं देखिए। वो उधर दो फाइट कर रहे हैं। रामू क्या कहा? चलिए इनको फाइट करने देंगे, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अब काला हिरन देखने के बाद अब हम लोग आगे जा रहे हैं और देखते हैं आगे रास्ते में क्या क्या मिलेगा। जो भी मिलेगा आप लोगों को दिखाएंगे जरूर। और अब हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये गड्ढा है और इसमें बहुत से छोटे छोटे छेद बने हुए हैं ये देखिए। और जो भी जानवर इसके अंदर होगा वो इसी गड्ढे के अंदर होगा। और दिख तो नहीं रहा है वहां वैसे यहाँ पर। चलिए ये अंदर, इसको अंदर रहने देते हैं।
फिर बाद में इसको देखने आएंगे। दोस्तों चिड़ियाघर बहुत बड़ा है और अब ब्लैक बग देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े हैं और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं क्योंकि ये 76 हेक्टेयर में फैला हुआ बहुत बड़ा जू है और नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू है ये और लगभग 8 लाख लोग हर साल यहाँ पर विजिट करते हैं। 125 स्पीशीज यहाँ पर हैं जिनमें कम से कम 1400 जानवर हैं यहाँ पर। चलिए और जानवर जो अभी बचे हैं उनको भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही खतरनाक जानवर के पास आ गए हैं जिसको मगरमच्छ बोलते हैं। देखिए पानी में ये आराम कर रहे हैं। ये भी है ना, ये देखिए एक ये दिख रहा है और एक वो बैठा हुआ है। देखिए एक ये है और सब पानी के अंदर है और ये भी बहुत खतरनाक होते हैं ये। और ये सिर्फ गोश्त खाते हैं और जो भी जानवर पानी में चला जाता है उसको पकड़ के इस तरह से नाचते हैं। अगर हाथ पकड़ के नाच गए तो हाथ समझ लीजिए गया। एक वो बैठा हुआ है ऊपर लेकिन बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे साइज के हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं और जो जो भी जानवर बचे हैं। दोस्तों अब आपको बहुत खतरनाक गुफा दिखाने वाले हैं और इसके अंदर काफ़ी अंधेरा रहता है। चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। चलिए देखते हैं, चल के ये एंट्री है इस खतरनाक गुफा की। चलिए इसके अंदर जो है ना जाकर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अंदर चलते हैं, अंदर बोलना कम है। काफी अंधेरा है यहाँ पर। चलिए आगे चल के देखते हैं कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पर। और वो अंदर छोटे छोटे जानवर दिख रहे होंगे आपको। ये यहाँ पर तो कुछ नहीं। देखिए कुछ मांसाहारी यहाँ पर जानवर हैं और उसके खाने के लिए देखिए मीट पड़ा हुआ है, काफ़ी गोश्त यहाँ पर पड़ा हुआ है पर वो जानवर नहीं दिख रहा कहाँ पर। अच्छा ये उल्लू हैं, ये देखिए उल्लू बैठे हुए हैं, अब दिखे हैं, ये ऊपर बैठे हुए थे। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इस वाले में देखते हैं क्या है। इसमें भी उल्लू हैं। देखिए ये उल्लू बैठे हुए हैं कुछ। चलिए और आगे देखते हैं अब क्या है। इसमें क्या है, देखिए पार्कुपाइन आपको दिखाएं, इसको स्याही कांटा बोलते हैं। ये बैठे हुए हैं सब पार्कुपाइन, स्याही कांटा जिसको बोलते हैं। और ये सब अंधेरे में रहने वाले जानवर हैं और ये पार्कुपाइन के खाने के लिए जो सामान कुछ रखा हुआ है सब्जियां हैं, ये वेजिटेरियन होता है। और बाहर अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर से और अंदर बहुत तरह के जानवर थे, एक आध जगह पर दिखाई नहीं दिया, बाकी तो आप लोगों ने देखा ही है। अब हम लोग गुफा से बाहर आ गए हैं और चल के आगे देखते हैं। अभी आगे काफ़ी चीज़ है, मछली घर है, बब्बर शेर भी है, अभी आगे हिप्पो भी है, दरियाई घोड़ा जिसको बोलते हैं। चल के आगे आपको दिखाते हैं अभी क्या क्या चीज़ें अभी बची हैं। जो तो अब हम लोग आ गए हैं मछली गिरह और चल के देखते हैं कि यहाँ इसके अंदर क्या है और आप लोगों को भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। चलिए मछली गिरह में एंट्री करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक्वेरियम की तरह बने हुए हैं, देखिए आपको दिखाते हैं इस तरह से। छोटी छोटी मछलियाँ हैं यहाँ पर, ये गोल्ड फिश और ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं यहाँ पर। बहुत ही छोटी छोटी मछलियाँ हैं, हो सकता है बड़ी मछलियाँ इससे थोड़ी सी हो कहीं पर। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मछली है ये, वाह शानदार, बहुत खूबसूरत मछली लग रही है ये। ये देखिए और भी मछलियाँ हैं यहाँ पर। ये मछली देखिए थोड़ी बड़ी है साइज में और खूबसूरत लग रही है।
और ये भी अच्छी लग रही है मछली। और ऊपर देखने के बाद अब चलते हैं नीचे, नीचे भी कुछ मछलियां हैं और उनको चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी छोटी मछली है, ये गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश ही है लगभग, और ये काफ़ी बड़ी है साइज में। देखिए ये देखिए, अरे वाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए वाइट कलर की हैं मछलियाँ यहाँ पर। और आगे चलते हैं, ये देखिए, ये तो नए तरीके की मछली है, इसका मुंह देखिए, शानदार, बहुत बढ़िया। दोस्तों इस मछली को देखिए, जलपरी की तरह बिल्कुल, क्या खूबसूरत मछली लग रही है वाकई में। देखिए जैसे जलपरियाँ होती हैं। बस मछली की तरह में इतनी ही मछलियाँ थी। तो हम पहुँचे हैं, ये सिका है, सिका जापानी हिरन, और वो उसको खाना खिलाया जा रहा है। देखिए चलिए आगे चलते हैं। ये कोई जानवर है गोरल, और चलिए जिसको देखते हैं अभी ये कहाँ पर है। गोरल जो जानवर है वो बैठे हुए हैं सामने, काफी दूर हैं और निकल कर नहीं आ रहे। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है। दोस्तों अब आपको एक ऐसा पंछी दिखाने वाले हैं जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है मेरे ख्याल से, ऑस्ट्रिच के बाद जिसका नंबर आता है, और उस बर्ड का नाम है ईमू। चलिए आपको दिखाते हैं, पहले इस बोर्ड में देखिए इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। चलिए आइए अब इसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, देखने में जितने प्यारे लग रहे हैं उतने ही खूंखार हैं, क्योंकि अगर इन्होंने पंजा मार दिया तो हड्डी तक टूट सकती है आपकी। दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा बब्बर शेर, घड़ियाल, मगरमच्छ बड़ा वाला, दरियाई घोड़ा, जेबरा, और जो सबसे खतरनाक और जो सबसे अहम चीज़ है स्नेक हाउस, जिसमें बहुत खतरनाक खतरनाक सांप हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। इस व्लॉग को यहीं पास एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।